ओम शांति। 6 फरवरी 2024 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है, इक्वल नहीं। प्रश्न, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? उत्तर, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है, जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जूं मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पाठ अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्माभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है, फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराए राज्य में आकर पड़े हो। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है, और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं बच्चे। तुम अब पराए रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5,000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है। ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है, उनको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ जड़ी भूत अवस्था में आ पहुंचे हैं। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे डॉट डॉट डॉट। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। ये भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5,000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम। जहां आत्माएं रहती हैं, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। जहां तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा, अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बिगड़ चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते हैं बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है,
इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं, ये जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते, मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है, तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है, तीनों लोगों को भी तुम जानते हो, भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं, बाप गुप्त वेश में पराए देश में आए हैं, बाबा भी गुप्त है, मनुष्य अपनी देह को जानते हैं आत्मा को जानते नहीं, आत्मा विनाशी देह विनाशी है, आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे, इस रावण राज्य में तुम पतित हो इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप हैं, परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है, ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप हैं। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। ये भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती और जाती हो, ये नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से, कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा, जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं, वे सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं, एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते और राजधानी अथवा डायनेस्टी भी स्थापन करते हैं, वे तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है, सबको ले कौन जाता है। बाप कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाया और खलास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं, अटेंशन किस तरफ जाता है, एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, वो सभी आत्माओं का पिता है, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मत मतांतर कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म हैं, एक धर्म नहीं है, फाउंडेशन प्राय लोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं, आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं, त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते, तुम अपुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे, बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक हैं, बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में थे, अब स्वर्ग है नहीं अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं, सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो फिर ऊपर कैसे जाएंगे। बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा, पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके, हे पतित पावन हे भगवान
जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, वह है निराकार, बाकी सब हैं पाठधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई को ये ज्ञान नहीं है, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है, बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पालौकिक बाप के बच्चे परलोक में रहने वाली आत्माएं हो, बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, ये कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है, वहां है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नोंद है वह सेकंड सेकंड रिपीट होता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा व बुरा सब नोंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं, कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छी छी बातें नहीं होती, राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को ना जानने कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं, जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है, बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़े ही करेंगे, जिनको सुख मिलता है वे महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप प्यार का सागर है, फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि हैं, बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं, इस समय ही तुमको समझाते हैं। फिर तुम देवता बन जाते हो, देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु हैं, सतगुरु है एक, सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अकाल मूर्त है ही सतगुरु, वह कालों का काल महाकाल है, वह काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं, तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पाए, वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहां तो ये बातें हैं नहीं, वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनाते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा, गौ माता कहते हैं ये है ज्ञान, पानी की बात नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना, वे लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं,
अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला है पार ले जाने, वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है, उसमें लिखा है, अपने दिल से पूछो, स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो, सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वे देवताएं थे, अब नहीं हैं। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया, तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे, भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही हैं। ओम शांति।